हेलो दोस्तों, मैं पवन केसरी, पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में आज आपको बताया जाएगा कि हाइब्रिड राइस की खेती कैसे किया जाए, क्या कैसे उसमें हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल के बारे में जानें, पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपको फ्री में टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, एग्रीकल्चर एंड एंटरटेनमेंट, ट्रिक्स एंड टिप ट्यूटोरियल हिंदी में उपलब्ध कराता है और इंग्लिश में। आज इसके अलावा ये मेन इंग्लिश एग्रीकल्चर का ही चैनल है, जिसमें एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी और खेती से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्याएं और खेत नई नई टेक्नोलॉजी और न्यूज, इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, हर एक क्षेत्र में हम जानकारी देंगे। मेनली एग्रीकल्चर का ही चैनल है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी वीडियो हैं आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमको सपोर्ट हो। हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना करिए, हम खुश रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमारे पास रहेगा। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं। सबसे पहले आप हमारी जो सब्सक्राइब का है इस बटन पर आप करें। चलिए आप चालू करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस, हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन, सीड्रेट बीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। तो फीड 20 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के लिए 20 किलो बीज की, धान के बीज की आवश्यकता होती है। दूसरी नर्सरी बेफल एप्लीकेशन ऑफ DAP, नर्सरी में फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में रहनी चाहिए, खाद कितनी मात्रा में रहनी चाहिए। बेफल एप्लीकेशन ऑफ DAP 2% ऑफ नर्सरी एरिया विल गिव रोबस्ट सीडलिंग विथ 1 to 2 टीलर पर सीडलिंग। द टाइम ऑफ प्लांटिंग इन द सॉइल इज हैवी, अप्लाई 4 kg gypsum%, मतलब कि आपकी हैवी सॉइल है, आपका खेत हैवी है, तो उसमें आप 4 kg gypsum डाल सकते हैं ऑफ नर्सरी एरिया। 10 days बिफोर पुलिंग ऑफ सीडलिंग, एज ऑफ सीडलिंग ये 20 to 25 days। अब नर्सरी 20 से 25 दिन पर आप खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। थर्ड आपका आ जाएगा स्पेसिंग सेंटीमीटर में, 20x10 50 हील पर मीटर स्क्वायर प्लांट रहना चाहिए, और 25x10 अगर करते हैं तो 40 हील पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सॉइल फर्टिलिटी। सीडलिंग पर हिल 1 अलॉन्ग विथ टीलर ऑलरेडी प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, हम इजकल टू मित्र बताएंगे आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास प्रति हेक्टेयर में 175:60:60 kg नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास प्रति हेक्टेयर। वैरायटी, वैसे तो आप कोई भी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी हैं इंडिया में, इसके अलावा विदेश में हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हो हर जगह की अलग अलग वैरायटियाँ अपने एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। ये हमारा इंडिया में उत्तर प्रदेश में ये चंदौली ज़िला में आपका ये वैरायटी लगा है। ये मैंने फील्ड विजिट किया है, उसमें ये फील्ड प्रदर्शन है, फील्ड विजिट समय का है, उसमें ये वैरायटी लगी है MR16302। ये देखिए लगा हुआ है बोर्ड MR16302, इसकी है ये मोटी वैरायटी है। आप कोई भी वैरायटी यूज करा सकते हैं, कर सकते हैं, उसका थोड़ा वैरायटी का ड्यूरेशन, जैसे कोई वैरायटी 130-135 दिन और 140 दिन तक होता है, उसके डिफरेंट हो सकते हैं। ये मोटी वैरायटी है, ये वैरायटी है MR8666, ये प्राइवेट कंपनी का है, ये आपका ज़्यादा दिन की वैरायटी है और महीन वैरायटी है। चलिए न्यूट्रिएटिव वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस, धान न्यूट्रिएटिव वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस, धान की
जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है और स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है उसके बारे में बताएंगे। द फॉलोइंग आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस इज राइस इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्ट सेकेंड राइस इज ए कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड थर्ड राइस हेल्प इन ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट फोर्थ राइस हेल्प इन कैंसर प्रॉब्लम्स फिफ्थ राइस हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्किन प्रॉब्लम सिक्स राइस कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग क्रोनिक कंस्टिपेशन सेवन राइस ब्राउन ऑयल सपोर्ट कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ एड्स राइस इज ए गुड सोर्स ऑफ नियासिन विटामिन डी कैल्शियम फाइबर आयरन थायमिन एंड राइबोफ्लेविन। फिर उसके बाद आता है धान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है जो डैमेज करता है धान को जिससे यील्ड एंड प्रोडक्शन दोनों को इफेक्ट पहुंचाता है वो है पेस्ट एंड डिजीज ऑफ राइस कल्टिवेशन। अभी इंडिया के राइस में भी रिपोर्ट आई है नई भी जस्ट लाइक दो दिन तीन दिन हुआ दो टू डे या थ्री डे तो उसमें आया कि भारतीय जो राइस है चावल उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है जिसमें विदेशों में इसकी मांग कम हो गई है। फिर भी इसके बारे में बता रहा हूँ फेस्ट नर्सरी उसका में आपका स्टीम बोरर गॉलमी थ्रीफ नॉट निमोटोड एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इसमें डिजीज नर्सरी में आपका लगता है एक आयरन कमी से सफ़ेदा रोग हिंदी बोलते हैं या वाइट वाइट क्लोरोसिस होता है और फिर उसके बाद जिंक की कमी हो जाती है और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ पेस्ट एंड डिजीज आर मेन थ्रेड इन राइस फार्मिंग जिसमें हो जाएगा अपन डेंग ब्लॉट डिजीज सीड ब्लाइट आर द मेन डिजीज राइस का सबसे खतरनाक डिजीज होता है सीड ब्लाइट आर द मेन डिजीज इन राइस क्रॉप सीड थ्रॉट एंड हाल्समट हाल्समट आपका बाली लिखने के बाद फूल के बाद या फूल के समय लगता है जिसको पहले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें आप सीड ट्रीटमेंट करा सकते हैं टाइकोगर्मा जापानिका जापोनियम निकम इसके अलावा कई मैंगोजेब कार्बनडाजिम और आपका थीरम कैप्टान बहुत सारे आते हैं किसी से आप स्वीट ट्रीटमेंट कर देते हैं इसे ये आप फिट ब्ला फाल्स स्मेट से आप फाल्स स्मेट को रोका जा सकता है। येलो स्टीम बोरर गर्ल मेक एंड ब्राउन प्लांट हॉपर आर द मेनली पेस्ट फूड डिजीज पेस्ट एंड डिजीज कैन बी रिड्यूस सब्सटेंशियली बाई द अप्लाइंग इफेक्टिव बायो एजेंट लाइक ट्राइकोगर्मा जेपोनिकम एंड ट्राइकोगर्मा चिलोनिस इसे आप रोक सकते हैं इनसे ट्रीटमेंट करने के बाद ये आपका बायो एजेंट है। फिर उसके बाद आता है वाटर ड्राइंग बिफोर हार्वेस्टिंग इन राइस फार्मिंग ड्राइंग इन द फील्ड रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द फील्ड 2 weeks बिफोर द हार्वेस्ट इज द मैंडेटरी फॉर गेटिंग गुड यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फीड। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसमें हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इसमें हमने वाटर कितनी जब आप इसमें सिंचाई करते हैं वैसे मेनली खेत में दो टाइम पानी जरूरी रहना चाहिए। फर्स्ट आपका हो जाएगा टिलरिंग उस एंड सेकेंड वो फल बनते समय फ्रूटिंग होता है। चलिए हार्वेस्टिंग ऑफ राइस बता रहे हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ राइस दिस क्रॉप विल बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग व्हेन क्रॉप टर्न टू गोल्डन कलर टू गेट मैक्सिमम यील्ड क्रॉप शुड बी हार्वेस्ट 20% ऑफ मॉइस्चर एंड 35 to 38 डे आफ्टर 50% ऑफ फ्लावरिंग यूजुअली द क्रॉप विल बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग डिपेंड ऑन द वैरायटी कल्टिवेटेड द क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड 25 to 30
day after flowering in the early and medium duration variety. In late variety, harvesting should be done 35 to 40 day after the flowering. आप हमारी वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो जाने। और हमारे आने वाले समय धान की और सभी प्रकार की फ्रूट की और वेजिटेबल की, फ्लावर की एंड एग्रीकल्चर न्यूज एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, उसके अलावा हर एक चीज़ हम सोचेंगे अच्छे से अच्छे आपके आवाज़ में और क्वालिटी में आपके यहाँ दें और सही चीज़ दें, 100% सही हो, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और आप हमारा सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, थैंक यू।